दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 31 तारीख को हो रहा है शुक्र का गोचर। शुक्र कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है। शुक्र और शनि की अच्छी मित्रता है, तो जाहिर सी बात है जब अपने मित्र के घर में जा रहे हैं शुक्र, तो कुछ अच्छे परिणाम तो देंगे ही। तो आपको क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आगे आने वाला वक्त शुक्र के प्रभाव से कैसा होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सब जानेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र सुख है, संपन्नता है, खुशहाली है, हरियाली है। शुक्र वैवाहिक जीवन का सुख है। जितने भी जीवन में सुख हैं, ये सुख शब्द ही शुक्र है। अगर शुक्र अच्छा है तो शुक्र अच्छा है। शुक्र कहाँ पे बलि होता है? शुक्र वहाँ बलि होता है जहाँ चकाचौंध हो, लाइटिंग हो, प्रकाश हो। और शुक्र कहाँ पर निर्बल होता है? जहाँ पर गंदगी हो। तो आपको शुक्र को अच्छा रखने के लिए बस एक ही सबसे अच्छा उपाय है कि आप खुद स्वच्छ हो जाएं और अपने आसपास की जगह को अच्छा कर लें, तो शुक्र अच्छे हो जाएंगे और महिलाओं का सम्मान करें। तो आपकी राशि के लिए शुक्र का यह गोचर क्या परिणाम देगा, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग शुक्र को बेहतर करने के लिए ये जो अंगूठी है D1 मतलब हो गया ये कोड है, इसको बोलते हैं अमेरिकन डायमंड, इसको पहन सकते हैं और इसको पहनकर आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसकी कीमत भी लिखी हुई है। बाकी आप अपनी राशि के बारे में जानिए कि शुक्र का है गोचर आपके लिए क्या शुभ अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है। वीडियो में उपाय भी मैं बताऊँगा, उन उपायों को भी आप कर सकते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। आइए शुभारंभ करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। अब आती है आपकी राशि की बारी। हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि और शुक्र की अच्छी मित्रता है। इस घर में शुक्र जातक के धन और जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जातक यानी कि आप जो भी मकर राशि के हैं, आरामदायक जीवन जीने की इच्छा रखेंगे इस समय में, और अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि सपने तो पैसों से पूरे होते हैं, पैसे मेहनत से आते हैं। और खर्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो आप इस समय में खर्चे करेंगे वो आपकी दिनचर्या में शामिल होगा, जैसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा उठना बैठना, अच्छा मोटर, अच्छी गाड़ी, अच्छा गीत, अच्छा संगीत, अच्छा सौंदर्य, कला, बढ़िया क्रॉकरी, बढ़िया घर की रख रखाव, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद होंगी। और शानदार जगह पे जाना, घूमने फिरने जाना, अच्छे होटल्स में रुकना, ये सब कुछ आप करेंगे। कई बार जातक इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है, और इतना पैसा खर्च कर देता है कि वो मुश्किल में आ जाता है। आराम सबको पसंद है, आराम आराम में, मौज मस्ती मस्ती में हजारों लाखों खर्च हो जाते हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो शुक्र यहाँ पर ऐसी दिक्कत भी दे देता है, आराम के चक्कर में बाद का जीवन हराम हो जाता है। शुक्र यहाँ पर भोग और प्रेम वाला व्यक्ति बना देता है। ऐसे व्यक्ति को हर चीज़ भोगने की इच्छा होगी, महंगी से महंगी चीज़ पहनने, महंगी से महंगी चीज़ खाने की इच्छा होगी, सामने वाले को महंगे से महंगा देने की इच्छा होगी। फिर वो छोटी मोटी चीज़ पर हाथ नहीं रखेगा, अपनी औकात से ऊपर की चीज़ों पे हाथ रखेगा और बाद में परेशान हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति वासना विलासिता से प्यार करता है, उसे सावधानी रखनी होगी, यानी आपको सावधानी रखनी होगी इस गोचर काल में फालतू के खर्चों से बचने की। कई बार खर्चे इतने अधिक हो जाते हैं कि व्यक्ति भोग विलास में पड़ जाता है और उसकी संतान को कष्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे खर्चे आपने किए और कष्ट संतान को हुआ। यस, ऐसा संभव है। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र संतान प्रेम व उच्च शिक्षा के पंचम भाव और कार्य क्षेत्र के दशम भाव के स्वामी होते हुए शुक्र जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे घर यानी दूसरे घर में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं। धन भाव परिवार का भाव भी है, धन का भाव भी है, संवाद का भाव भी है, वाणी का भाव भी है। तो मकर राशि के जातकों के लिए धन भाव में शुक्र का यह गोचर काफ़ी अच्छे फल देगा, लेकिन जो मैंने आपको सावधानी बताई वो रखनी होगी,
खर्चे सोच समझ कर करिएगा। इस अवधि के दौरान व्यापारियों को एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस वाउचर के दौरान आपकी कोई डील, मनचाहे डील पूरी हो सकती है, मनचाहे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आप पैसों का भुगतान अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपको अचानक से अटका हुआ धन कहीं से मिल सकता है, फंसा हुआ धन कहीं से प्राप्त हो सकता है, कुछ नई डील्स हो सकती है, कुछ नए ऑर्डर्स, कुछ नए और चीज़ें हो सकती हैं। आप सक्षम होंगे हर एक काम को करने के लिए, आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे और नौकरी पेशा आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, वेतन वृद्धि हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है। पेशेवर रूप में आप मार्केटिंग क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। जो भी लोग बोलकर अपना काम चलाते हैं, जिनका बोलने का काम है, मार्केटिंग वाले लोगों का काम, या जो रेडियो जॉकी हैं, या जिनका काम बोलकर चलता है, आवाज़ से चलता है, उनकी तो वाह 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 होने वाली है, अच्छा काम होने वाला है। आप अपनी प्रभावशाली वाणी से सामने वाले का दिल भी जीतने में कामयाब रहेंगे, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आप धन अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। संयुक्त उद्यम यानी कि किसी के साथ व्यापार कर सकते हैं, किसी के साथ व्यापार को और बढ़ावा दे सकते हैं, आप घर वगैरह खरीद सकते हैं, घर से जुड़े हुए काम, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों वालों को भी लाभ होगा। निजी जीवन में आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है, परिवार वालों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध अच्छे होंगे, आपके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, आपकी वाणी मधुर और बहुत ही शानदार होगी। जीवन काल में खर्चे सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आशंका है कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में इतने खर्चे कर बैठेंगे कि बाद में आप परेशान हो जाएं। एक शब्द होता है कंट्रोल, कंट्रोल करके चलिएगा। अपने घर की सजावट, घर की चीज़ों को अच्छा करने, पुरानी चीज़ों को एकदम से बदल देने का आपके अंदर शौक आएगा। इन सब चीज़ों पे इतना खर्चा हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपके संबंध आपके बच्चों से अच्छे रहेंगे, आपके ज़्यादा खर्चा, आपका ज़्यादा मौज मस्ती आपके परिवार के बच्चों पर असर डालेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में, निजी जीवन में सभी लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन पाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनको वैवाहिक जीवन का अच्छा आनंद मिलेगा, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। जो कुंवारे हैं वो लोग भी शादी के बारे में राजी हो सकते हैं। आप अगर बच्चे को चाहते हैं, संतान को चाहते हैं, तो गर्भधारण कर सकती हैं। इस समय में सभी प्रकार से आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, एक आरामदायक सुखद जीवन होगा। आप अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, दोस्तों यारों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय बिताएंगे। बस दिक्कत क्या होगी वो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, कि आप इस समय में इतना खर्चा कर बैठेंगे कि कुछ दिनों बाद, देखिए जब खर्चा कर रहे होंगे तब तो मज़ा मिल रहा होगा, कुछ दिनों बाद जब आप उधार लेकर आपने खर्चा किया तो मांगने वाले आपको परेशान करेंगे, दुश्मनी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आपने फालतू का क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया तो बैंक वाले आपसे पैसा मांगेंगे, अब नहीं देंगे पैसा तो इंटरेस्ट बढ़ेंगे लंबा चौड़ा, और कहीं इधर उधर से अपना पैसा वैसा खर्च किया चोरी वोरी करके या इधर उधर से हेरा फेरी करके तो और दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस समय में आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसकी सैलरी है हमारे यहाँ पे 14,000 रुपये, 14,000 उसकी सैलरी है। इंसेंटिव वगैरह मिल के इधर उधर करके वो 18,000-19,000 रुपये सैलरी हर महीने लेके जाता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि iPhone 13 अगले आदमी ने ले लिया। मैंने उसके हाथ में देखा, मैंने कहा ये iPhone 13 किसका है, किसका मांग के ले आए, चोरी करके ले आए? कहता नहीं सर, ये देखिए बिल है। मैंने कहा भाई बड़े अमीर हो गए। तो उसने कहा सर EMI पे लिया है, 2 साल तक EMI देंगे, ये इतनी 3-4 हज़ार रुपये, और इतने पैसे जोड़े हुए थे 25-30 हज़ार रुपये, वो पहले दे दिए। तो 1,15,000 या 16,000 रुपये का फ़ोन, 14,000 या 18,000 रुपये सैलरी, सोचिए आप। अब ऐसा व्यक्ति कल को जब खर्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा, परेशान होगा। तो ऐसे खर्चे मत करिए, खर्चे करिए सोच समझ कर करिए। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था। बाकी शुक्र को बेहतर करने के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करें, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का ध्यान करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माता पिता का सम्मान करें, पत्नी का सम्मान करें, पति का सम्मान करें, बच्चों के साथ हंसी मजाक करें, यानी परिवार में सुख आए, टेंशन से दूर रहें, घर को साफ सुथरा रखें, मन को साफ सुथरा रखें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, आनंद आएगा आपको। इतना ही कर लीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा और नारायण की कृपा आप पर बरसेगी,
और कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने शुक्र को और अन्य ग्रहों को बेहतर बनाने के लिए अपनी जन्म कुंडली की जांच भी करवा सकते हैं। नमस्कार।